तो खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूह सिख संगतां नूं मैं एक वीडियो राही संबोधन किया सी, जिते कुछ संगतां दा शंका है कि शायद जिहड़ी वीडियो है वह पुलिस की कस्टडी च बनी है, क्योंकि उस वीडियो च मैं जी बुरे बारे देख रहा कि सो मेरी एक संगतां नूं अपील है भी देखो, पहले की मेरी आदत नहीं भी मैं बैठ के सामने सामने वीडियो बनावा, तुसीं पुरानी वीडियो देखोगे उहदे च भी मैं कैमरे वाल पता वेखदा नहीं हुंदा। सो पहली गल जिहड़ी मुख मुद्दे वाली गल आपां करनी है, एक तो आप हर चीज़ में कॉन्सपिरेसी नहीं समझना, सतगुरु सच्चे पातशाह की ओर सदका आप गुरु की खेड में वड्या समझिए, यह नहीं भी आप मतलब हिंदुस्तान की सरकार या पुलिस को वड्या समझने लग पीए, कलगीधर पातशाह की जी करामात वड्या समझिए, ये किरे सतगुरु सच्चे पातशाह ने जो कढ़िया तो वह किसी मकसद वास्ते कढ़िया। जिन्हों यह लगता है भी मैं कोई भगौड़ा हो गया तो मैं अपने साथियों छड गया, यह गल भुलेखा कोई अपने मन च ना रखे, देखो ना तो मैं मरण तो डरा, मरण लिखाए मंडल में आए, इस बाणी के जोड़े बचन ने इतने पूरा पैरा दे रहे हैं, जिदन संसार से आ गए उदन मौत का जोड़ा राह शुरू हो जाता, ये तो कोई बच नहीं सकता। पर मेरी संगतान एक अपील है, मैं जो अच्छ बहर हैं सतगुरु सच्चे पातशाह ने जो मैंने बहर रख्या है इस घेरे तो वह अर्थ यह है कि मैं अपने साथियों लिए कौम के नौजवानों लिए कौम के हितों की कुछ कर सकता, तो छेती ही संसार सामने भी प्रगट होवे और इस संगतों के भी विचरेंगे, इदा की कोई गल नहीं। मैं उन्होंने नहीं है भी जो कहे मुल्क छड़ जाए जी, मुल्क छड़ के बाहर चल गया वो हूँ बहरों जाके लोगों को वीडियो पा के मैसेज देंगे, इदा की गल नहीं। हाँ जोड़े बगावत के दिन होंगे उन्होंने कटद्या बहुत कुछ समय झलना पैदा, बिखड़े पैंड तुरना पैदा, मीलों मील भी बई बई मील सफर दिन हर दिन पैदल करना, यह कोई मतलब खाला जी का वाड़ा तो है नहीं। सो अठी पैर प्रशादा छकना जो कि मिल गया नहीं तो फिर जल पानी छक के गुजारा कर लेना, ये जो दिन ने बगावत के कटने औखे ने। पर मैं संगतों को एक अपील करना कि आपने चढ़ती कला च रहना, चढ़ती कला च रहने का अर्थ यह होंगे कि असी जो इस राह से तुरीए, इस मार्ग से तुरीए तो सूँ पहले ही पता होंगे भी आप जो राह तुरे हैं कंडे वाला राह, सतगुरु सच्चे पातशाह ने आनंदपुर साहब का किला छड़िया है और किला छड के माछीवाड़े के जंगलों के गए ने, पैर कंडियां लहू लुहान हो गए। सो वो रास्ते जोड़े धर्म की नगरी के उत्ते तैयार करने पैंदे है। मेरी जी संगतों को अपील है कि मैं एक कॉल दी सरबत खालसे वास्ते, मैं जथेदार साहब नूं तां कहा भी जथेदार साहब ने एक सद्दा दिता सी मीटिंग करके कि समूह जथेबंदियां पहुंच, जथेबंदियां पहुंचियां उत्थे जिन्होंने हमायत की गल उन्होंने भी धनवाद, जिन्होंने विरोध की उन्होंने भी धनवाद, मैं किसी के विरोध नहीं गल करनी कोई भी, यह समा नहीं किसी का विरोध जन नहीं कर दिता। कौम से भीड़ आन बढ़ पई हो सू एक दूजे हक चुखा चाहिए। जथेदार साहब ने एक जी उदम किया वह चंगा है, उस कुछ नहीं शामिल किया गया, मैं लगता भी सारे खुला सदा होना चाहिए सी, पर जो हो गया सात वजन है हुण उस तो बाद जथेदार साहब ने कहा छोटियां वीरां कढ़ांगे। देखो वीर शब्द जो असीं पंजाब बन के इस पुरातन शब्द को रिवाइव किया, यह अर्थ है वहीर कत्तणी, कत्त के पाव इस पास में तुर लेना, फिर किसी रोक की परवाह नहीं करनी, जो वहीर तुर पैंदी है वह किसी को रोक नहीं सकती। जथेदार साहब जी जे वहीर कढ़नी है तो मेरी एक बेनती है ये जो तुसीं प्रवान करो तो चंगी गल, क्योंकि तुहाडी भी प्रीख्या है साडी प्रीख्या जो तुसीं लंघ रहे जथेदार साहब के अहदे से होंदिया तुहाडी यह प्रीख्या भी तुसीं अज कौम दे लई कितना डट के हक च खड़ सकदे हो। सो जे तुसीं वहीर कढ़नी है तो तुहानू यह वहीर जिहड़ी है इस तरीके नाल कढ़नी चाहीदी, बकालतक साहब तो शुरू होके कुछ दिनों के वहीर दमदमा साहब पहुंचे विसाखी तो उत्थे सरबत खालसा हो। तो मैं ये कदे भी नहीं कहा भी वहीर नहीं कढ़नी चाहिए, मैं ये कहा भी वहीर कढ़नी है पर इन्हें पिंड छोटिया वहीर लोगों को जागरूक करना यह खाना पूर्ति है, लोग पूरे जागरूक ने और लोगों को और जागरूक करने की लड़ नहीं, समझ संगतों मोबिलाइज करने की लड़ है, संगतों को इकट्ठे करने की लड़ है, उन्हें हुकूमत का पैक रहने की लड़ है। सो अज सू लड़ है असं इकट्ठे होइए, इकट्ठे होकर कौम लिए खड़ीए, तो जिन्होंने ए लगता है कोई नहीं इस धरती से ही हाँ, इस धरती का ही अपना लहू डोलना। सो इस करके गल की अफवाह छड़ दीए कि मैं कितने भगौड़ा आ जाऊंगा, सतगुरु सच्चे पातशाह ने इन्नी बरकत इन्नी कृपा इन्नी रहमत मेरे ते कीती है कि मैं सुपने के भी भगौड़ा नहीं होना सोच सकता। कईयों ने कहा उन्हें केस कतल करा देने, ये सारिया गलत जो बेबुनियाद ने, केस कतल कराने तो पहले जो सिर का खोपड़ा उसी लवा सकते, केस कतल कराने बारे सोच भी नहीं सकते। सो मेरी संगतों को अपील है, मेरी होरना सारे अपील है भी किसी अगर हाथ जोड़ के तरले नहीं करने, ठीक है। संगतों को संबोधन किया मैं पहली वीडियो इस करके मैं संगतों को संबोधन करते हैं निवरता, तो मैं वैसे नीवी पा के गल करता हूँ जी हुकूमत को संबोधन मैं हूँ कर दिना भी हुकूमत तो ना मैं कल डरता सी अज डरना, हुकूमत ने जो करना कर ले। हाँ ये गल है गिरफ्तारी तो मैं नहीं डरता, गिरफ्तारी लिए मैं कोई शर्त नहीं रखी, जिड़िया गलां की जा रही मैं गिरफ्तारी बारे कोई गल ही नहीं की, जिड़िया गलां की जा रही भी अमृतपाल सिंह ने तीन शर्त रख दी गिरफ्तारी दी भी थाने जी वह कुटमार ने की, जब मैं कहना जी कुटमार करनी जिन्हें कर ले, जिहड़ा तशद्दुद कितने करके वेखना करके वेख ले, ना तशद्दुद तो डरते हैं ना बंद बंद कटने तो डरते हैं। सो इस करके मेरी संगतों ने अपील है
किसी भी गुमराह को प्रचार च नहीं आना। मैं चढ़ती कलां च अज की तरीक तक मैं चढ़ती कलां दे विच आ और अज तो बाद सतगुर के हाथ है सारा कुछ। जे सतगुर ने इनिया संकटां च राखी की है तो अगे भी करता रहूगा। महाराज वो घर किसी का घाटा नहीं। मेरी वोट उसते है, मेरी वोट दुनियावी ना तो अदालतों से है ना किसी होर गलते है। मेरी वोट सतगुर सच्चे पातशाह की कचहरी पर है। उन्हें इंसाफ मेरे नाल करना है। संगतों को मेरी अपील है भी तुम दृढ़ रहना। तुम ढेंदी कला च नहीं जाना, ना ढेंदी कला कोई गल करनी है। और मेरे परिवार को मेरे को अपील है भी तुम्हें भी कोई ढेंदी कला गल नहीं करनी। एवं नहीं हाथ जोड़ के कही जाना कि देखो जी साथ दो, सारी संगत साथ दे रही है। कोई नहीं जो कोई नहीं भी दिता इस खत को सच्चे पातशाह का पेंड है। इस मार्ग से चलते सतगुरु सच्चे पातशाह जो आनंदपुर साहब का किला छड़ते हैं तो लोगों ने अपने घर के दरवाजे भेड़ ले सी। लोगों ने कहता अपने पुत मरवा गए हम साढ़े मरवा आ गए। सो मैंने ऐ लगता भी आप संगत का साथ जोड़ा है वो संगत ने आप ही दे देना। आप चढ़ती कला च रही है सतगुरु का भाणा मनी। ये भाणा मनने ही सारा कुछ होना है। जो भाणे तो उल्ट जाके गल करा वो होनी भी नहीं गई। सो भाणे च रह के सारा कुछ होना है। सो इन बेनती है सरबत खालसे की काल जथेदार साहब दे नहीं देंगे तो उन्होंने प्रीख्या की घड़ी है कि वो कौमली की कर ली संजीदा ने की नहीं कर ली संजीदा ने। उन्होंने उत्ते एक इल्जाम लगता भी परिवारवादी राजनीति करते हैं कि उतों ही मुक्त होने का समय है। सो अज आप बद चढ़ के जरा सरबत खालसे की काल के सफाई संगतों को मेरी अपील है भी तुम संगती रूप से पिंडा च अनाउंसमेंटा करो कि विसाखी के उत्ते दमवा साहब सरबत खालसा सद्या जाए। इन बेनती है जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।